मऊ से बसपा विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ व मऊ कोर्ट में पेशी हुई। आजमगढ़ में मजदूर की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी ने बेगुनाही की दलीलें पेश कर उच्च स्तर की जांच की मांग उठाई तो मऊ कोर्ट से जेल मैनुअल के अनुसार सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। आजमगढ़ में मजदूर की हत्या मामले में विधायक को सुबह पेश होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट में दोपहर 1:10 पर वर्चुअल सुनवाई हुई। इस 15 मिनट की सुनवाई में आरोपित ने कहा कि मुझे साजिशन फंसाने के लिए तरवा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के 6 वर्ष बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। जज ने सुनवाई की अगली तिथि 24 मई तय की है। इसके बाद आदेश दिया है कि विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव बांदा जेल जाकर आरोपित का बयान दर्ज कर सकेंगे। मुख्तार अंसारी ने अपने बचाव में कहा कि मजदूर की हत्या के समय वह आगरा जेल में बंद था, 16 वर्ष से गाजीपुर गया ही नहीं। इस केस में गाजीपुर की पेशी को आधार बनाया गया है। भाजपा मेरी हत्या की साजिश रच रही है। मुख्तार ने अपनी जमानत की मांग उठाई, जिस पर न्यायाधीश ने कहा कि प्रार्थना पत्र पड़ेगा तो विचार किया जाएगा। अधिवक्ता दरोगा सिंह ललन सिंह व सीएल निगम ने भी मुख्तार के पक्ष की दलीलें पेश की। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा भी उपस्थित थे। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के एरा खुर्द गांव में 2014 में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने का नामजद आरोपी बनाया गया। 9 अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि आजमगढ़ पुलिस जल्द ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए बांदा जेल जा सकती है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।